पब्लिक टीवी आपकी आवाज। चुनाव में पूरी तरीके से लग चुके हैं, बहुत सारे पार्षद जाते थे जिनको टिकट नहीं मिल पाए, वो कहीं ना कहीं अलग पारी खेलने की तैयारी कर, कहीं कोई अलग पारी खेलने की तैयारी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एकजुट है। पिछड़े जो थे वो अलग थलग नजर आ रहे थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पिछड़ों को लेके सारे पिछड़े, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेके चलती है। मुरादाबाद में सभी सीटों पर अपने पार्षद नहीं उतार पाए, सबसे ज्यादा पार्षद भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं। 65 लोग 70 में से 65 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर नगर विधायक रितेश गुप्ता जी से बात करेंगे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से नगर निकाय चुनाव में वो विजय हासिल करने वाले हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे विनोद अग्रवाल जी को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, किस तरह की तैयारियां? भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार हमारे लोकप्रिय मेयर विनोद अग्रवाल जी पर विश्वास जताया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव में पूरी तरीके से लग चुके हैं और बहुत जोश के साथ जितने कार्यकर्ता हैं, छोटे हों चाहे बड़े हों, सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। जगह जगह जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पद के प्रत्याशी हैं उन लोगों ने अपना कार्यालय खोल दिया है और डोर टू डोर कन्विंसिंग करने का काम शुरू हो चुका है। मेयर साहब के कार्यक्रम भी जगह जगह लग रहे हैं, जगह जगह जाके वो डोर टू डोर जाके लोगों से संपर्क कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद की मेयर की सीट ऐतिहासिक पदों से जीतने जा रही है, क्योंकि बहुत सारे विधायक ऐसे थे जिनको टिकट, बहुत सारे पार्षद ऐसे थे जिनको टिकट नहीं मिल पाए, वो कहीं ना कहीं अलग पारी खेलने की तैयारी कर, कहीं कोई अलग पारी खेलने की तैयारी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एकजुट है। जितने भी लोग चाहे वो मेयर के प्रत्याशी टिकाती रहे हों, चाहे वो पार्षद टिकाती रहे हों, सब एक मंच पर हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर, सब लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, भी जो पिछड़ों को लेकर एक बड़ा बहुत ज्यादा शोर मचा था, उसके बाद में कहीं ना कहीं पिछड़े जो थे वो अलग थलग नजर आ रहे थे, एक बहुत आयोग भी बन गया, रिपोर्ट मांगी गई, जाँच हुई, उसके बाद भी फिर से जनरल सीट चली गई, उस पर क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पिछड़ों को लेके सारे पिछड़े, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेके चलती है। जितने भी टिकटों का वितरण हुआ, आप सामाजिक दृष्टि से देखिए कि सब लोगों को समायोजित किया गया है, सब लोग संतुष्ट हैं और सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रयास कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं और जोरदार तरीके से चुनाव जिताने की तैयारी में। एक आखिरी सवाल है, भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा करते कि बहुत बड़ी पार्टी है आज की डेट में, लेकिन उसके बाद भी मुरादाबाद में सभी सीटों पर अपने पार्षद नहीं उतार पाए, क्या वजह बनी? नहीं, मुरादाबाद में इस बार सबसे ज्यादा पार्षद भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं। 65 लोग 70 में से 65 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिसमें लगभग 15 प्रत्याशी मुस्लिम भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने लगभग सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। आज तक इतने प्रत्याशी का भी उत्साह ही नहीं है और सब लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ाने में लगे। तो ये थे हमारे साथ में नगर विधायक रितेश गुप्ता जी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आगामी जो चुनाव है निकाय चुनाव पर, उस पर बहुत तेजी के साथ में हम जीत हासिल करेंगे और ऐतिहासिक वोटों से जीत हासिल करेंगे। अपने सहयोग के साथ मैं अंकित चौहान, पब्लिक टीवी इंडिया, मुरादाबाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।